नमस्कार दोस्तों, एसएस मार्केट न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों बात करते हैं यस बैंक की। यस बैंक में आज जो कल मूडीज की जो रेटिंग आई थी दोस्तों, उसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ है। देख सकते हैं यस बैंक में जो मूडीज का जो रेटिंग का इफेक्ट था बिल्कुल न के बराबर आया है, न्यूट्रल रहा है। क्योंकि यहाँ पर यस बैंक की ओपनिंग ऊपर अपन देखें तो 68 रुपये की इसकी ओपनिंग है, उसके पश्चात ये अपसाइड में गया है, 69 को भी इसने क्रॉस किया है। अगर मूडीज की रेटिंग का इसका इफेक्ट होता तो यस बैंक इस समय 60 के नीचे ट्रेड करता होता है, में 60 के नीचे जाके आना चाहिए था यस बैंक को, लेकिन नहीं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है मूडीज की रेटिंग का। जो मैंने आपको बता दिया था कि इसका इफेक्ट जो यस बैंक में पड़ भी सकता है, अगर पड़ेगा तो वापस से बाउंस पिक लेता हुआ दिखाई देगा। लेकिन यहां देखें यस बैंक ने अपना स्ट्रेंथ कायम रखा और यस बैंक की जो ऑप्शन चेन में अब जो इसका जो खुलासा हुआ दोस्तों, यस बैंक अब जो बंधन में था वो बंधन से मुक्त होने वाला है। यानी कि यस बैंक का जो हेजिंग कर रखा था यहां पे 70 के आसपास, यानी कि 65 से और 70 के आसपास काफी देखो रुका हुआ है, 5-7 दिन रुका हुआ है। अब यस बैंक बड़ा प्ले यहां पे करने वाला है, अपना जो ये रेंज से बाहर निकल रहा है यस बैंक, जैसे ही बाहर निकलेगा रेंज से और ये एक 20 रुपये का बड़ा प्ले करेगा, यानी कि ये नहीं कर रहा मैं ऑफसाइड में प्ले करेगा, यानी नीचे से 60 रुपये से लेकर 20 रुपये का जो मूवमेंट 80 रुपये का मूवमेंट होगा वो बड़ा फास्ट होगा, 60 ही फटाफट आने की कोशिश करेगा, वहाँ से वापस 80 रुपये जाने की फटाफट यस बैंक कोशिश करेगा। यानी कि 20 रुपये का रेंज यस बैंक में खुलने वाली है, जो कि बड़ी फास्ट खुलेगी। यानी कि डाउन साइड में भी यस बैंक जाने वाला है 4-5 रुपये और अपसाइड में भागने वाला है यस बैंक 10-15 रुपये साइड में भागने वाला है। यानी कुल मिला के यस बैंक में 20 रुपये की रेंज खुलने वाली है। ये अब बड़ा एक वोलेटाइल यस बैंक होने वाला है, जो ऑप्शन चेन के माध्यम से और चार्ट के माध्यम से दोस्तों आपको देख के बता रहा हूँ मैं। चलिए यस बैंक में यहाँ पे दोस्तों देखो, अपने आप को यहाँ पे लगातार 1, 2, 3, 4, 5 दिन हो गया है और 70 के ऊपर 5 दिनों से 70 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रहा है। और अपने आप को देखो ये 5 दिनों से ये 65 से लेके 70 के बीच में अपने आप को बनाए रखा है और अपने आप को मेंटेन करके रखा है। अब जो यहाँ पे दोस्तों बड़ा मोमेंट होगा, क्योंकि ये 5 डे के डेमा के ऊपर यस बैंक टिका हुआ है, ठीक है। कल यस बैंक अगर 66 रुपये को ब्रेक करता वो इंट्राडे के चार्ट पे आपको बताऊंगा, 66 को ब्रेक करेगा यस बैंक, तो यस बैंक की पॉसिबिलिटी 65 रुपये की जाने की, ठीक है। अगर 65 से बाउंस बैक लेता है तो बड़ा बाउंस बैक होगा, लेकिन अगर 65 को भी यस बैंक ब्रेक करता है दोस्तों, यस बैंक की फिर पॉसिबिलिटी होगी जाने की, वो 63 रुपये तक यस बैंक की जाने की पॉसिबिलिटी भी नजर आ रही है, ठीक है। चलिए इंट्राडे के चार्ट भी आपको बता देता हूं मैं। यहाँ देख सकते हैं यस बैंक को यहाँ पर डबल बॉटम में यहाँ पे बनाया है, 66 से लेके वापस इसने अपना रेंज बनाया था 69 के आसपास, वापस देखो 66 पे आके रुका ये, और अब 66 को ये यस बैंक ब्रेक करेगा तो यस बैंक की पॉसिबिलिटी है कि 65 को ये टेस्ट करेगा, जो कि 65 पे भी डबल बॉटम यहाँ पे बना हुआ देख सकते हैं ये रहा, ठीक है। 65 पे डबल बॉटम है, अगर 65 को यस बैंक ब्रेक करता है, यस बैंक जो कि फिर 9 डे का डीएमए है वो 63 वहाँ पे टकराने की कोशिश करेगा, वहाँ से बड़ा बाउंस भी यस बैंक में देखने को मिलने वाला है। क्योंकि ये रेंज जैसे बाहर निकलेगा, चाहे नीचे निकलना चाहिए ऊपर निकलना चाहिए, यस बैंक बड़ा प्ले देखने को मिलने वाला है। जब तक रेंज से बाहर नहीं निकलेगा दोस्तों, यस बैंक में कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि यस बैंक को रेंज से बाहर निकलना जरूरी है। 70 की जो ऑप्शन चेन है वहाँ पर इसको हेजिंग कर दिया है, अभी 70 से थोड़ा दूर नीचे आना चाहिए या 70 से ऊपर जाना चाहिए, तो यस बैंक में जो इसका रेंज वो खुलेगा और जो ऑप्शन चेन है फिर वो अपने उनको समझ में नहीं आएगा कौन सी स्ट्राइक प्राइस अपन चुने, कौन सी स्ट्राइक प्राइस को अपन राइटिंग करें, कौन सी को पुट राइटिंग करें, कौन सी कॉल राइटिंग करें, तब यस बैंक बड़ा मजा आने वाला है। चलिए और यहाँ पे इंपॉर्टेंट डाटा यस बैंक में मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जो कि ऑप्शन चेन के माध्यम से आपको दिखा देता हूँ मैं। इसके पहले दोस्तों लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा तो मैं आपको थोड़ा सा आज के काम की आपको झलक दिखा देता हूं। आज अपना जो काम था इंफ्राटेल का टारगेट अपना 100% सक्सेसफुल रहा है, HDFC का टारगेट सक्सेसफुल, रिलायंस का टारगेट सक्सेसफुल, PC ज्वेलर्स का टारगेट सक्सेसफुल, यस बैंक का मैंने सेल का कॉल दिया था, छोटा कॉल दिया था यस बैंक का, अब वो सक्सेसफुल रहा था, ट्रेंड का टारगेट सक्सेसफुल, टाइटन का टारगेट सक्सेसफुल, यस बैंक का ओनली एक अपना स्टॉप लॉस आया था जो कि फ्लेक्स में, यानी कि सुबह मैंने मॉर्निंग में खुल दी दिया था, जो उस समय आपको पता है टेक्निकल चार्ट काफ़ी मतलब हाईलाइट होता है और फ्लेक्स होता है, उस समय अपना स्टॉप लॉस इसने हिट किया था, ठीक है। उसके पश्चात अपना सारा मैंने जो रिकवरी कॉल रिलायंस की दे भी दी थी, यहाँ देख सकते हैं रिलायंस की बड़ी कॉल दी थी मैंने रिकवरी कॉल, जो कि 1450 से मैंने दिया था, 1455-60 और 65 के टारगेट रखे थे, 1463 प्लस गए थे, यानी कि पूरा आपका जो यस बैंक का एक कॉल लॉस हुआ था वो सारा रिकवर करवा दिया गया था, उस फिर भी अपने यहाँ पे ओवरऑल अपने प्रॉफिट में रहे दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे देखो लोगों ने स्क्रीन शॉट मुझे भेजे थे, देखो यहाँ लिखा है कि सर ओवरऑल यहाँ पे जिनके पास छोटा मार्जिन है वो भी ओवरऑल 1800 रुपये प्रॉफिट में यहाँ पे रहे हैं, जिनका बड़ा मार्जिन वो ओवरऑल बड़े प्रॉफिट में रहे होंगे, ठीक है। चलिए यस बैंक की आपको मैं आपको कॉल दिखा देता हूँ, सारी कॉल्स यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, कौन कौन सी कॉल कब कब गई है, यहाँ पे ज़्यादा मैं 200 झलक दिखाने वाला हूँ ओनली, ठीक है। देखो यस बैंक का ये वाला कॉल अपना गया था, उसके बाद PC ज्वेलर्स का टारगेट अपना सक्सेसफुल, ठीक है, और ट्रेंड का टारगेट सक्सेसफुल, एस्कॉर्ट का अपने मैंने कोस्ट कटवाई दिया था, HDFC बैंक का देख सकते हैं 1255 से दिया था, 1200
HDFC बैंक का, ये तो सेल का दिया था लेकिन मैंने इसको कटवा दिया था, देखो ये रहा HDFC बैंक का कोई स्टॉप लॉस कोस्ट कोस्ट, ये देखो ये करवा दिया ठीक है। और यहाँ से स्टॉप लॉस को कटवा के वापस HDFC बैंक को मैंने बाय दिया, जो कि टारगेट तीनों टारगेट 100% सक्सेसफुल गए हैं, 1270 तक का टारगेट गया है। लेकिन अब SS मार्केट न्यूज़ की गाइडलाइंस के अनुसार इसने फर्स्ट टारगेट सक्सेसफुल किया, उसके पश्चात वापस नीचे आया और फिर कोस्ट कोस्ट जाके फिर 300 टारगेट आपको मिला है। इसका मतलब आपको पहले टारगेट से ही संतुष्ट इसमें होना पड़ा है, हालांकि तीनों टारगेट्स में आए हैं ठीक है। और देखो यस बैंक का ये कॉल मैंने दिया था, जो कि इस कॉल को यानी कि स्टॉप लॉस के पहले ही मैंने नीचे सेल का कॉल दे दिया, जो कि टारगेट सक्सेसफुल मैंने करवा दिया। इन्फोटेल का टारगेट देख सकते हैं 100% सक्सेसफुल। उसके बाद देखो यहाँ पे टाइटन का टारगेट सक्सेसफुल, इंडिया बुल्स हाउसिंग का जो मैंने दिया था कॉल वो लास्ट में यानी कि 242 के आसपास गया था, लेकिन ये लास्ट में 240-239 के आसपास ये कटा ठीक है। और रिलायंस का कॉल भी मैंने दिया था, रिलायंस का कॉल कहाँ गया, रिलायंस का कॉल दिया था मैंने, वन मिनट ये रहा देखो, बूम बूम रिलायंस। देखो SBI का रिजेक्ट करवा दिया था मैंने कॉल ठीक है, या तो रिलायंस का कॉल दिया था मैंने, जो कि 2:33 पे 1485 दिया, 1455, 1460, 1465, 1463 गया था, जो कि मैंने कह दिया था ये आपका जो यस बैंक का जो स्टॉप लॉस हुआ था उसका रिकवरी कॉल है ये, और इसमें अपना रिकवर कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको किसी कोर्स में स्टॉप लॉस आता तो भी उसका रिकॉर्ड साथ के साथ करा दिया जाता है, एक कॉल का स्टॉप लॉस था उसका रिकॉर्ड वो बड़ा रिकॉर्ड करवा दिया गया, और बाकी सारे कॉल्स में आपको ओवरऑल बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला है। चलिए दोस्तों मैं यस बैंक में जो ऑप्शन चेन आपको दिखा देता हूँ, यस बैंक में दोस्तों यहाँ पे अगर मैं आज की जो डाटा की बात करूँ, यस बैंक का भी जो ट्रेडिंग यहाँ पे हुआ है 18 करोड़ का ट्रेडिंग हुआ है, वॉल्यूम इसमें कम आया है, इस देखो टूटा है, इसका मतलब वॉल्यूम कम आया, यानी लोग सेलिंग के लिए यानी कि इंटरेस्ट कम है, यानी कि वॉल्यूम ज़्यादा आना चाहिए तब तो जाकर टूटेगा ये, वॉल्यूम अगर अपसाइड में ज़्यादा था इसका मतलब भागेगा ये। सेलिंग का देखो सेलिंग आया, 2 रुपये सेलिंग आया जिसमें वॉल्यूम कम आया, इसका मतलब यस बैंक में डरने वाली इतनी बात नहीं है। लेकिन फिर भी देखो मैंने ये कहा यस बैंक में अब 60 रुपये से लेकर 80 का जो प्ले होगा बड़ा प्ले होगा, यानी कि यस बैंक 60 भी आ सकता है और 80 भी फटाफट जाने वाला है ठीक है। चलिए यस बैंक का अगर अपन डिलीवरी परसेंटेज देखें तो यस बैंक का देखो और दुगुना डिलीवरी हुआ है, जो कि 3 बजे तक की डिलीवरी है। देखो बाद में 3 बजे बाद में डाटा क्या है क्या नहीं है वो अभी 5 बजे बाद में डाटा शो होंगे, 6 बजे बाद में NSE डाटा शो होंगे वो दिखाएंगे, लेकिन 3 बजे तक की डाटा ये कह रहे हैं कि यस बैंक में जो डिलीवरी परसेंटेज है वो दुगुना हुआ है, यानी कि 20% की यस बैंक में डिलीवरी है, जो कि यस बैंक की कल की डिलीवरी आपको मैं दिखा देता हूँ मनी कंट्रोल पर, जो है देख सकते हैं 9% डिलीवरी है, 9% की यस बैंक की डिलीवरी है, जो कि अब डिलीवरी हुआ इसका कितना 20% यस बैंक की डिलीवरी हुई है। यस बैंक का और भी डाटा दोस्तों आपको मैं दिखा देता हूँ कि इसका रिटर्न किस प्रकार यस बैंक परफॉर्मेंस आगे देने वाला है। देखो दोस्तों यहाँ पे यस बैंक का जो मैंने यहाँ पे निकाला है कि यस बैंक जो वन मंथ के अंदर यस बैंक का देख सकते हैं, पहले जो 90% का गिरावट थी वो देखो 70% रह गई है, और 6 महीने की जो गिरावट यहाँ पे जो 80% के ऊपर थी वो देख सकते हैं यहाँ पे ओनली कितना सा परसेंटेज रह गया है, 60% रह गया है। उसके बाद 3 महीने की गिरावट ओनली 22% है। अब आइए 1 महीने की गिरावट, 1 महीने की परसेंटेज देखिए, अब रिटर्न में है 45% से ज़्यादा 1 महीने का रिटर्न है इसका, और 1 वीक का रिटर्न देख सकते हैं 16% से ज़्यादा 1 वीक का रिटर्न है ठीक है। यानी कि अब आने वाले 3 मंथ नहीं, 22% जो माइनस में ये सिर्फ सारा ये प्लस में होने वाला है, जैसे यस बैंक जैसे 3 महीने गुजारेगा ये सब प्लस में डाटा बनने वाले हैं, यस बैंक जैसे 6 महीने गुजारेगा ये सारा ये प्लस में होने वाला है, यस बैंक जैसे 1 साल गुजारेगा ये सारे डाटा दोस्तों प्लस में निकलने वाले हैं, ये सारे डाटा यस बैंक वापस के ग्रीन में करने वाला है। यस बैंक देख सकते हैं ऊपर के सारे डाटा ग्रीन करता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ से यहाँ ग्रीन करने वाला है, यहाँ परसेंटेज कम हो चुका है, यहाँ भी फिर ग्रीन करता हुआ नजर आएगा, लेकिन 6 महीने में ध्यान देंगे, 6 महीने में, 1 दिन में दोस्तों अतेले में सरसों नहीं उगती है ठीक है। चलिए यस बैंक का मैं डिलीवरी परसेंटेज आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हैं यस बैंक डिलीवरी परसेंटेज कितना है, यानी कि पिछला डिलीवरी परसेंटेज कल का वो कितना है, 9% था, और इसका बुक वैल्यू देख सकते हैं 105 के ऊपर इसका बुक वैल्यू है, जो कि यस बैंक अभी 70 के आसपास है, यानी कि यस बैंक 105 के ऊपर जाने वाला है, बुक वैल्यू के ऊपर यस बैंक ट्रेड करने वाला है, शेयर्स का जो बुक वैल्यू है वहां से शेयर उसके ऊपर ट्रेड करता है अधिकतर, यही देखा दोस्तों मैंने कि शेयर के बुक वैल्यू के ऊपर अच्छी शेयर जो क्वालिटी के शेयर है वो बुक वैल्यू के ऊपर ही ट्रेड करता है, यानी कि बुक वैल्यू को क्रॉस करने वाला यस बैंक 105 को क्रॉस करने की पूरी कोशिश करेगा वो आने वाले दिनों में, आज की बात नहीं कर रहा हूं मैं। यस बैंक में दोस्तों मैं अब ऑप्शन चेन आपको दिखाने वाला हूं। देखो डिलीवरी मैंने बताया था कल की डिलीवरी यहां पे थी 9%, आज की डिलीवरी यहां पे देख सकते हैं 19% से ज्यादा, यानी कि 20% की डिलीवरी, जो कि दोगुनी डिलीवरी है, लेकिन दोस्तों ये डाटा है 3 बजे तक के, बाद में डाटा चेंज हो सकते हैं, वो डिलीवरी परसेंट घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है ठीक है। चलिए ऑप्शन चेन तो जो अब बन गई है वो जो सारे मार्केट क्लोज हो चुका है वो फाइनली बन चुकी है, और ऑप्शन चेयर में यहाँ पे दोस्तों डाटा जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ चौंकाने वाला कि यस बैंक की रेंज खुलने वाली है 60 रुपये से लेकर 80 रुपये यस बैंक प्ले करने वाला है, यानी 60 भी आएगा तो फास्ट आएगा और 60 से वापस 80 भी फास्ट जाने वाला है यस बैंक ठीक है। क्योंकि यस बैंक का यहाँ पे अगर 70 का देखें तो 70 का हेजिंग था वो देखो खत्म हो चुका है, 70 पे यहाँ पे देखो लोगों ने सिर्फ छोटी सी कॉल राइटिंग की है और
ऊपर यहाँ पे इधर देखे 70 ने, इधर यहाँ पे इन्होंने छोटी सी पुट राइटिंग की है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये इन्होंने 65 पे, इन्होंने 65 पे क्या किया है, पुट राइटिंग की है 5 लाख की। और इन्होंने कहाँ कहाँ किया है पुट राइटिंग, देखो इन्होंने 65 पे किया 16 लाख की पुट राइटिंग। लेकिन यहाँ पे यस बैंक में दोस्तों यहाँ पे देखो जो 50 वाले डाटा है, देखिए यहाँ देख सकते हैं ये 50 वाले 15 लाख की पुट राइटिंग की यस बैंक में। इसका मतलब है जो पुट राइटर है वो अब यस बैंक का जो हेजिंग, जो 70 का हेजिंग था ना, वो वहाँ से खींच सकते हैं कि 50 का बेस ये बना रहे हैं, वहाँ से 50 का बेस बना रहे हैं। यस बैंक में समझ लीजिए कि 50 नहीं आएगा, लेकिन 60 का जो रेंज है वहाँ तक यस बैंक बड़ी फास्ट से आ सकता है। ऐसे नहीं कह रहा मैं आएगा, लेकिन वो अगर 60 भी बड़ा फास्ट आएगा तो 80 भी बड़ा फास्ट जाने वाला है। क्योंकि ऊपर देखें, ऊपर यहाँ पे अपन देखें, ये देख सकते हैं अगर 65 को क्रॉस करने के बाद में अप साइड में देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी मतलब कोल राइटर नहीं ऊपर। 70-75 के बाद में देख सकते हैं 75 पे देखो अनवाइंडिंग है, और 80 पे देख सकते हैं छोटी सी कोल राइटिंग है, और 85 पे देख सकते हैं अनवाइंडिंग है, ठीक है। इसका मतलब यस बैंक जैसे 65 को क्रॉस करेगा, 60 को क्रॉस करेगा यस बैंक, तो मैंने बताया इसका टारगेट है 65 को यस बैंक नीचे ब्रेक करता है, यस बैंक का टारगेट 200 देखने को मिलेंगे, 63 रुपये, उसके पश्चात 61 रुपये तक टारगेट देखने को मिल सकते हैं। उसके उस वहीं से यस बैंक बड़ा बाउंस पिक लेता हुआ नजर आएगा, जो कि बड़ा बाउंस पिक यहाँ पर निकल के आ रहा है 80 रुपये तक का बड़ा बाउंस पिक निकल के आ रहा है, जो कि एक दिन का प्ले हो सकता है या 2 दिन का प्ले हो सकता है। ओके दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। ध्यान रखें इंट्राडे का मैंने सारा बता दिया, ऑप्शन चार्ट पे नहीं जाने वाला मैं, और यहाँ इंट्राडे का कल का जो प्ले है वो 66 को यस बैंक ब्रेक करता है, 65, उसके बाद 65 को यस बैंक ब्रेक करता है, 63 तक के टारगेट देखने को मिल रहे हैं, उसके बाद लाइव में बताऊंगा। और जो यस बैंक का बाई का कॉल है वो अभी 200 नजर नहीं आ रहा मुझे यहाँ पे इंट्राडे का, लाइव का सिग्नल जैसे मुझे लाइव मिलेगा आपको बता दूंगा। चलिए दोस्तों, टेक्निकल चार्ट से लास्ट अपडेट मैं दे देता हूँ आपको, कि मैंने बताई दिया है कि यस बैंक यहाँ पे 5 डे के मूविंग एवरेज पे भी टिका हुआ है, ठीक है। जैसे 5 डे के 66 ब्रेक होगा यस बैंक, जो 65 का टारगेट देखने को मिलेगा, अगर 65 यस बैंक ब्रेक करता तो यस बैंक फिर जो 9 डे के मूविंग एवरेज को टेस्ट कर सकता है, जो कि 63 का है। लेकिन दोस्तों ये जो टेक्निकल चार्ट में यहाँ पे मैंने रीड किया है, यस बैंक ट्रेंड लाइन के अनुसार चल रहा है, और यहाँ से बड़ा बाउंस बैक 63 से 65 से बड़ा बाउंस बैक यस बैंक लेता नजर आएगा, क्योंकि सारी जो कैंडल्स हैं ये सारी कैंडल दिखाई दे रही है आपको, ये 4-5 दिनों की, यानी कि 72 रुपये को यस बैंक एक ही दिन में क्रॉस करता नजर आएगा, जो कि यस बैंक के टारगेट निकल के आ रहे हैं एक ही दिन के दोस्तों 83 रुपये तक के यस बैंक के टारगेट निकल के आ रहे हैं। ये बड़ा प्ले यहाँ पे यस बैंक कर सकता है, क्योंकि टेक्निकल चार्ट का यहाँ पे मैं जो आपको मैं बताऊँ, यस बैंक यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे अपने आपको यहाँ पे यस बैंक यहाँ पे रोके हुआ था, रोक के देखो यहाँ पे यस बैंक बड़ा प्ले के एक ही दिन में सारी कैंडल्स का सफाया कर दिया, उसके पश्चात देखो यस बैंक यहाँ पे 3 दिन रुका, फिर एक बड़ी कैंडल से इसका सारा सफाया किया, फिर यस बैंक 3 दिन फिर रुका, फिर देखो एक बड़ी कैंडल से इसका सफाया किया, यस बैंक फिर से 4-5 दिन यहाँ पे रुक चुका है, देख सकते हैं 4-5 दिन यहाँ पे रुक चुका है, थोड़ा नीचे आके एक बड़ी कैंडल से इसका सफाया यहाँ पे कर सकता है यस बैंक। ध्यान देखिए यस बैंक दोस्तों में बड़ा प्ले होने वाला, जो कि मैंने आपको बताया यस बैंक इसकी रेंज खुल चुके हैं, जो कि 60 से लेकर 80 का रेंज बड़ा फास्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा, यानी नीचे अगर 60 आएगा तो 80 भी बड़ा फटाफट यस बैंक जाने वाला है। ओके दोस्तों, ये अच्छी बात है, यस बैंक अगर 60 आएगा कोई दिक्कत नहीं, अपने एवरेज करेंगे, लेकिन फिर अपन को फिर जो 80 के टारगेट है ना बड़ी फास्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि यस बैंक ये रेंज बाउंड में फंस चुका है, तो रेंज को यहाँ पे रेंज से निकलना बहुत जरूरी है, रेंज से निकल के फिर ऊपर भागेगा तो ऊपर वाली रेंज को यस बैंक तोड़ने वाला है, ये 90% की पॉसिबिलिटी है। ओके दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे लाइक करके शेयर कीजिएगा, और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भी कर डालें, व्हाट्सएप ग्रुप दोस्तों ज्वाइन करना चाहें तो सब पर फाड़ के प्रॉफिट दोस्तों में दिलाने की डेली कोशिश करता हूं, जो भी सज्जन व्हाट्सएप ग्रुप से इंटरेस्टेड हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, छोटी सी गाइडलाइंस फॉलो करते दोस्तों आपको मेट कर लूँगा, और आप भी दोस्तों सब पर फाड़ के प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।